प्रशासनिक संकुल मंगलवार को एक बार फिर आम जनता से पट गया। यहां जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने गुहार लगाई। देखिए इस रिपोर्ट में। कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में 300 से ज्यादा शिकायतें आईं, जिसमें एक मां अपनी गोल्ड मेडलिस्ट बेटी के लापता होने की शिकायत लेकर पहुंची और अपर कलेक्टर पवन जैन से गुहार लगाई। मीडिया से चर्चा में दुखी मां ने जिम कोच पर उसे ले जाने का आरोप लगाया। सर, 7 तारीख को कोच आया फिट एंड फाइन जिम से कि आपकी बेटी को खेलने जाना है, शिवपुरी में कॉम्पिटिशन है 8 तारीख को, 8 तारीख को वेट देना है और 8 तारीख को कंपटीशन है, ऐसा बोल के घर से लेके गया। जब वो उसने हमारी बात नहीं कराई वहाँ पहुँच के, तो मैंने श्रीराम जिम वालों को फ़ोन लगाया विजयनगर, तो उन्होंने बोला 7 को तो जाना नहीं था, 8 को जाना था, तो ये 7 को कैसे लेके गया। तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम सर। उसने बोला कि सारे बच्चे जा रहे हैं श्रीराम जिम से, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो फिर वो नहीं पहुँचा। उसके बाद जब मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका बंद आ रहा था। तो दूसरे दिन 8 तारीख को उसने फ़ोन चालू किया। मैं फ़ोन लगा रही कंटिन्यू फ़ोन लगा रही हूँ, तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा। फिर मैंने मैसेज किया उसको कि तू अगर फ़ोन नहीं उठाएगा और मेरी लड़की से बात नहीं कराएगा तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो वो फिर उसने तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के बेटी से बात करा रहा है, बोल रहा है कि हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला पहुँच गए तो आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो बोले नहीं अभी पहुँचे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन काट के जिम वालों को फ़ोन लगाया, जो मेन है उनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि वो तो पहुँचे ही नहीं है और हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं या वेट चालू हो गया। तो मैंने कहा सर फिर मैं क्या करूँ बताओ, मैं अगर आप बोलो तो वो वहाँ पहुँचता है तो मैं गाड़ी से आ जाती हूँ, शिवपुरी में 6-7 घंटे लगेंगे, मैं पहुँच जाऊँगी। तो बोले वो आएगा वैसे ही हम फ़ोन कर देंगे। वो लोग सब वहाँ फ़ोन लगाते रहे, स्वामी सर फ़ोन लगा रहे थे, सब लगा रहे थे, किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा वो कोच। वो बेटी को मैंने फ़ोन दिलाया नहीं क्योंकि वो उसने 12th पास की है अभी। मैंने बोला अभी फ़ोन नहीं दिलाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ मेरी बात ही नहीं करा रहा, नहीं करा रहा। तो फिर मैंने वापस से ट्रेनर उन लोगों को फ़ोन किया, उन लोगों ने बोला वो पहुँचा नहीं है, आप एक काम करो कंप्लेन करो जाके। जब कंप्लेन करी तो थाने वाले भी उतना ही रिस्पॉन्स दे रहे जितना अपन बता रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा है, वो उठा नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसे करके मेरी बात ही नहीं हो पा रही। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरी लड़की बहुत छोटी है, अभी 2 तारीख को 18 साल की हुई है, सिर्फ 4-5 दिन ऊपर हुए, वो ज़्यादा बोलती भी नहीं है, उतना ही बोलती है जितना कोई कुछ बोलो, और वो बात ही नहीं कर पा रहा और फ़ोन भी बंद है उसका 2 दिन से। सब दूर कंप्लेन कर करके हार गई, सब दूर अब क्या करूं। तो कलेक्टर साहब के पास आई। हाँ, वो राखी, उसने मेरे से राखी बंधवा रखी है 4 साल से, उस भरोसे पे मैंने उसको पहुँचाया। अब वो लेके नहीं आ रहा ना मेरी बात करा रहा है। राजेश्वर वर्मा उर्फ राधे विद्याधाम में कानीकुंज है ना, वहाँ पे उसके घर गई तो वहाँ पे ताला लगा है। उसकी बहन के यहाँ गई तो वो कुछ बता नहीं रही है। पुलिस वालों को बोला कि उसकी बहन से पूछो तो वो लोग कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे उसको। वही उम्र के जिस दौर में व्यक्ति को परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में सुभाष नामक व्यक्ति बच्चों द्वारा निकाले जाने की शिकायत लेकर पहुंचा। उन्होंने कहा कि पत्नी व बच्चों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद वे काफ़ी परेशान हो गए हैं। सर, हमारा किराए का मकान था तो 400-400 रुपये दोनों मियाँ बीवी को और बेटे को लगते थे। तो बेटे को और मियाँ बीवी को लगते थे तो उसने बोला था कि ना मैं भर जाऊँगा, लेकिन अभी ना 12-13 महीने 14 महीने से बीकन गाँव गया था। अब छोरे ने आते से भगा दिया, बोलता कि बस अब मेरा कमरा का मैं किराया भरता था। मैंने बोला बेटा जिंदगी भर तो मैंने भरा, तो मिसेज भी उसकी तरफ हो गई, छोरियाँ छोरी सब उसकी तरफ हो गए, मैं अकेला रह गया। मेरे को पाँव हाथ में लकवा आ गया और अब मेरे को रखते भी नहीं है बाहर, बस सड़क पे फुटपाथ पे ना खाने को भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। सर किराए का आएगा क्या, लेकिन वो है ना सरदार जी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि वो बदनी बोला का आएगा, अग्रवाल का है, वो एक सरदार ने ले लिया था, वो कमरा तो कभी खाली नहीं होना का सर, और वो खाली भी करेगा तो कर देंगे, लेकिन ऐसा करता नहीं। लेकिन अब इन लोगों ने अकेले कब्जा कर लिया और मैं अकेला कहाँ जाऊँ। अब वहाँ पुराना बहुत पुराना ले रखा है, 400-400 रुपये लगते हैं, 800 रुपये महीना, 2 कमरे हैं बड़े बड़े और लेटरिन बाथरूम सब अटैच है, 2 लड़की 2 लड़के। अभी लड़कियों का ना केस चल रहा है तो वो भी इंदौर आई हुई है, अब उनके पीछे ना मेरे को परेशान करते हैं कि बोले छोरियाँ रे रही ये रे रहे, तब मैं कहाँ रही हूँ। साहब साजनगर जवाहर दाल मिल के पीछे एक का नाम है सुनील, उसके बाद में अंजलि, सपना और वो अजय ना पाली के। अभी कुछ नहीं करता सर, पहले ट्रांसपोर्ट में लोहा मंडी में काम करता था, बहुत पैसा कमाया था, बच्चों की दोनों की शादी भी कर दी,
और इन्हें सब कुछ कर दिया है। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं भैया, तो मैं कुछ और ला के दे दूँ। अब मैंने बोल दिया कि किराया भी मेरे से ले लो, सब कर लो, लेकिन नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं, बस वो मकान के पैसों के लिए लगे, क्या मकान खाली करेगा तो हमको पैसे मिलेंगे, तब जब तक कब मिलेंगे, जब मिलेंगे जब मिलेंगे। स्पोर्ट्स की व्हीलचेयर की मांग को लेकर व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी जनसुनवाई में पहुंचे। मीडिया से चर्चा में अध्यक्ष शहजाद अली ने कहा कि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं होने से वे आगामी मैच में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। हमें स्पोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट लेवल पे व्हीलचेयर, मध्य प्रदेश स्टेट लेवल पे क्रिकेट टीम है जी, और हम आए थे, स्पोर्ट की व्हीलचेयर नहीं हमारे पास। 2004 से वो 17 से 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं व्हीलचेयर की, स्पोर्ट की व्हीलचेयर के लिए, और क्रिकेट खेल रहे हैं। सारे स्टेटों के पास स्पोर्ट की व्हीलचेयर है, उनका खुद का ग्राउंड रहता है, खुद की बसें रहती है, हर स्टेट में दूसरे एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो खेलते हैं उनको। हम इसी हॉस्पिटल की व्हीलचेयर से ही हम अपना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आगामी फरवरी में 2 फरवरी से 8 फरवरी तक IPL है पंजाब में, लुधियाना में 6 टीमों का, उसमें 14 स्टेट की टीमों के खिलाड़ी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट की व्हीलचेयर नहीं, और बोर्ड वहाँ पर का आयोजक बोर्ड जो है समिति, वहाँ की आयोजन समिति, उनका ये कहना है कि स्पोर्ट की व्हीलचेयर होगी तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान नहीं रहता है, खिलाड़ी को गिर जाएगा तो भी लग जाएगी, और भगाने में स्मूथली चलती है वो, और इसमें क्या है कि ये वेल्डिंग उखले हुए रहते हैं तो हाथ पैर में गंभीर चोट आ सकती है, क्योंकि दौड़ने के लिए हाथ ही चाहिए रहते हैं, व्हीलचेयर हाथ से मूवमेंट होता है, तो इसलिए हम शासन से मांग कर रहे थे कि जब अदर स्टेट के स्टेट वाली गवर्नमेंट सरकार डिसेबल क्रिकेट को प्रोवाइड करती है स्टेट व्हील स्पोर्ट की व्हीलचेयर, तो हमारे को भी हम भी गुहार लगाना है थे, लेकिन बदकिस्मती से मनीष सर मिले ही ADM से, अब से मिले, उन्होंने कहा बक्सेला सर स्पोर्ट अधिकारी से, उन्होंने फ़ोन लगाया बक्सेला सर स्पोर्ट अधिकारी को, तो उन्होंने कहा कि हम अगर आगे ऐसा प्रावधान होता है तो आगे डिस्पैच करके लेटर भेजेंगे तो आपके लिए बिल्कुल करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल टीम में इंडिया टीम में एक खिलाड़ी है छतरपुर का रिजवान अहमद, अपने कमल कंचोले मध्य प्रदेश टीम के खिलाड़ी हैं, मास्टर ब्लास्टर हैं कमल कंचोले, और भिंड का है एक नीरज चौधरी, हमारी मध्य प्रदेश टीम से इंडिया टीम में IPL में नाम था उनका, लेकिन स्पोर्ट की व्हीलचेयर नहीं होने के कारण सब उसमें भागीदारी से वंचित रह गए। 15 व्हीलचेयर चाहिए रहती हैं, जो इंटरनेशनल सारे नियम रहते हैं जो क्रिकेट में रहते हैं वही हमारे रहते हैं। 11 व्हीलचेयर खिलाड़ियों की रहती है, 2 अपोजिट बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों की, और 2 आती हैं जो आउट होकर आने जाने वालों के लिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए रहती हैं। 13 तो टीम की रहती हैं तो और 2 एक्स्ट्रा चाहिए रहती हैं। हमारे पास 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, एक भी व्हीलचेयर नहीं है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर को जल्द दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो बच्ची लापता हुई थी उसने शादी कर ली है, लेकिन माता पिता से चर्चा कराने की बात कही है। इधर बुजुर्ग को घर से बाहर निकाले जाने वाले मामले में SDM को निर्देश दिए हैं कि वे मामले में सुनवाई करें और बच्चों पर सख्त कार्रवाई करें, नियम संगत तरीके से कार्रवाई हो जाए परीक्षण उपरांत। देखिए, कुछ विकलांग छात्र आए थे और वो बेसिकली क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी ये अपेक्षा थी कि साहब हमें क्रिकेट के लिए एक ट्राईसाइकिल होती है, जो स्पोर्ट्स ट्राईसाइकिल होती है, बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए। तो जिला खेल अधिकारी बास्केल जी से चर्चा की गई, उनको बताया गया तो बजट आवंटन नहीं है, तो वो भोपाल से अपने वरिष्ठ स्तर पर बात करेंगे और फिर उनको प्रयास करके ट्राईसाइकिल दिलाने की बात करेंगे। देखिए, अभी वो मामले में SP पश्चिम महेश जैन साहब हैं, उनसे चर्चा की थी दूरभाष पर, उन्होंने अवगत कराया कि उस लड़की ने शादी कर ली है, वो बालिग हो गई है 18 वर्ष की, और शादी करने के बाद उसके माता पिता से उसकी चर्चा कराने का उनको कहा गया है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके, एक बार उसके अभिभावक जो हैं अपनी बच्ची से मिल लें और क्या उसमें नियम संगत तरीके से कार्रवाई हो जाएगी वो कराएंगे। देखिए, लगातार पिछली जनसुनवाई में भी 3 से 4 आवेदन आए थे और इस बार भी लगभग 3 या 4 आवेदन अभी तक आ चुके हैं, जिसमें वृद्ध माता पिता इस बात की फरियाद करते हुए आते हैं कि साहब हमारे बच्चों ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में
भारत सरकार द्वारा माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है और उसमें SDM को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। तो संबंधित SDM को स्पेशली ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो ऐसे केसेस में प्राथमिकता पर उनको सुने और ना केवल सुने बल्कि उनका समय सीमा में निराकरण भी करें कि जो बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर भगा देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, या तो वो अपने माता पिता को ससम्मान रखें अन्यथा उनकी जो संपत्ति माता पिता के नाम पर है वो उनको वापस दिलाई जाए। अपर कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में 300 से ज्यादा मामले आए हैं जिसमें से सबसे ज्यादा गृह निर्माण संस्था के हैं। देखिए सबसे अधिक संख्या में जो अभी जनसुनवाई में आवेदन आ रहे हैं उसमें गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के हितग्राहियों के आवेदन हैं जिनमें कि उनकी ये शिकायत है कि सर हम सोसाइटी के मेंबर रहे हैं लेकिन अभी तक हमको प्लॉट नहीं दिए गए हैं। तो DRCS को इस बात के लिए ताकीद किया जा रहा है कि ऐसी सोसाइटीज़ के जो आवेदन आ रहे हैं उनका परीक्षण करें और फिर नियमानुसार उस पर कार्रवाई का एक एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई करें। लगभग 300 के ऊपर आवेदन आ गए। बहरहाल देखा जाए तो जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाने पहुंच रहे हैं जिनका निराकरण भी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।